फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के सॉन्ग्स हो या फिर इस फिल्म का कंटेंट, इस फिल्म के मेकर्स ने ईद को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की तैयारी की थी। और अब भले ही ये फिल्म ईद पर रिलीज ना हो रही हो, लेकिन इस फिल्म के एक्टर्स और मेकर्स अपनी इस फिल्म की यूएसपी को छोड़ना नहीं चाहते। तभी तो एकता कपूर ने फैसला किया है कि पूरे रमजान के महीने में वो अपने इस फिल्म को प्रमोट करेंगे। और रिसेंटली अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और फिल्म के डायरेक्टर मिलन लुथरिया नजर आए इस फिल्म को प्रमोट करते हुए, जहां अक्षय ने बताया कि स्पेशली ईद के लिए उनकी टीम एक प्रोग्राम बना रही है। एक प्रोग्राम बना रहे हैं ईद जश्न, जश्न ईद, जिसके अंदर हम ऑडियंस को पेश करेंगे व्हाट वी थिंक हाउ टू सेलिब्रेट ईद। साथ ही अक्षय ने बताया उनकी ईद की स्पेशल मेमोरीज क्या है। बेसिकली छुट्टियों का माहौल है, जब हमें छुट्टियाँ मिलती थी, खाने का है, बिरयानी खाओ, सेवैयाँ खाओ, बस खाते रहो। जब हम छोटे थे तो लोगों के घर जाके, हमें इतना पता था कि जब बड़ों के घर जाओ तो पैसे मिलेंगे, तो मेरे लिए तो बहुत ही मुनाफे वाली चीज़ होती थी ईद का, तो वो माहौल बना के हम ईद सेलिब्रेट किया करते। ऑल्सो अक्षय ने बताया कि उनके सारे बॉलीवुड फ्रेंड्स ईद, होली और दिवाली साथ मिलकर मनाते हैं। बॉलीवुड का एक कमाल है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कि मेरे जितने प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे साजिद नडियाडवाला मेरा दोस्त साजिद खान, उनके घर से खाना आता है, उनके घर से ईदी आती है, हम उनके घर जाया करते हैं। तो बेसिकली द होल कल्चर ऑफ यू नो, जब दिवाली होती है तो वो हमारे घर आते हैं। सो द होल थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम इतने कल्चर्स, इतने लोग मिलके सब पूरे इंडस्ट्री के अंदर ईद सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली साथ में खेलते हैं। So it's wonderful to see this. फिल्म की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी ईद की अपनी मेमोरीज यहाँ मीडिया के साथ शेयर की। I have a very very special memory. My first film released on Eid, and that is one memory that will always stay with me. Other than that, bachpan mein hum school mein the, so I had a Muslim friend who once took me to her relative's house where they all celebrated Eid together. And you know what I learned from that was that it's just all about togetherness and being happy. वैसे सोनाक्षी सिन्हा की अक्षय कुमार के साथ ये तीसरी फिल्म है। ऐसे में मीडिया ने अक्षय से ये पूछा कि सोनाक्षी अब शूटिंग के दौरान अपने सीन्स के लिए कितने टेक्स लेती है। मेरे हिसाब से काफ़ी कम हो गए हैं, पहले वो दो टेक में ओके किया करती थी, अब एक टेक में। Well, अक्षय ने सोनाक्षी को एक्टिंग के मामले में 10/10 दे दिए हैं, एंड वी होप जब ये फिल्म रिलीज हो तो ऑडियंसेस को भी सोनाक्षी और अक्षय की एक्टिंग पसंद आए। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई।